हिंदू धर्म में हर रोज किसी न किसी देवता का व्रत और पूजा की जाती है, लेकिन सोमवार का दिन भगवान शिव को ही समर्पित होता है। देवों के देव महादेव शिवजी की पूजा सोमवार के दिन ही की जाती है। तो अगर आप भी रखते हैं सोमवार का व्रत, तो जानिए इस व्रत को रखने की सही विधि और महत्व के बारे में। सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों पर मां पार्वती और शिव की विशेष अनुकंपा बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ शंकर अपने भक्तों की भक्ति से जल्द प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शंकर की पूजा करने के लिए महंगे मिष्ठान, पकवान, वस्त्र या अन्य कीमती वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। वह तो जंगली फल, फूल, भांग, धतूरा, आग, बेलपत्र अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर एक लोटा जल ही अर्पित कर दे तो उसे भी प्रभु खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। इस व्रत को करने से जीवन धन धान्य हो जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर मन ही मन शिव जी का ध्यान करना चाहिए। गंगा जल के माध्यम से घर को शुद्ध करना चाहिए और मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। किसी विशेष स्थान या पूजा स्थल पर शिव जी की मूर्ति की स्थापना करें, उसके बाद विधि विधान से शिव गौरी का पूजन करना चाहिए। जल में कच्चा दूध, गंगा जल और कुछ मीठा डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। यदि संभव हो तो बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सोमवार व्रत की कथा सुने और आरती करें। फिर भोग लगाकर सभी में प्रसाद का वितरण करना चाहिए। व्रत रखने वाला जातक एक समय भोजन कर सकता है। यह व्रत शाम के समय ही खोला जाता है। धर्म से जुड़ी डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।